तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल एंड टेस्ट. क्या टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ टेस्ट एंड डिसऑर्डर्स ऑफ स्मेल. सो दीज आर सम टर्म्स विच आर यूज फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ टेस्ट एंड स्मेल. तो इफ वी से ऑस्मिया का नॉर्मल मीनिंग होता है सेंस द एबिलिटी टू स्मेल. ओके, सो इट इज द एबिलिटी टू स्मेल, तो ऑस्मिया हो गया. ओके, एंड इफ वी ग्यूसिया मीन्स टू टेस्ट. ओके, सो इफ ऑस्मिया के अगर हमने एंड ऑस्मिया लगा दिया, ऑस्मिया के आगे हमने क्या एड कर दिया, एन ए एन, तो दैट मीन्स द पर्सन इज नॉट एबल टू स्मेल और नॉट एबल टू डिटेक्ट ऑडर्स. फिर हाइपोस्मिया, हाइपो मीन्स रिड्यूस्ड ऑस्मिया. ओके, ऑस्मिया इज द टर्म. कौन सी भाषा चाहिए तुमको, मुझे ये बता दो. मैम आई कैन नॉट सी इवन की 40% स्ट्रेंथ भी ऐसी है जिसको बेसिक मैनर्स है पढ़ाई की, तो मैं आई डोंट नो. मैंने कभी तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं लिया, आई डोंट नो दैट. कट सी नहीं होती है ना, 60% से ज्यादा बच्चों ने नहीं है. तुमको क्या चाहिए कि मैं पीछे बैठने दो आराम से, जो भी मैं करने दो, मोस्टली स्टूडेंट्स को, बाकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. और आप कुछ लोग बोले मैम हम सुनेंगे तो सुनेंगे, अदरवाइज हम अपना काम करेंगे बैठ के क्लास में. ये करना है, ये तो नहीं होगा, ये तो फिर क्लास ही नहीं होगी. और जहां मुझे जो पोर्शन लगेगा कि ये अच्छे सिंसेयर बच्चे हैं तो मैं वहां अटेंडेंस दूंगी, उसके अलावा सब एबसेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला. आई कैन सी आधे से ज्यादा बेंचेस खाली थी और सारे बच्चे बैक बेंच पे बैठे हुए थे. क्या तुम ऐसे ही करते हो बिहेव हर क्लास में, या तुम्हारा जो लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस होती है ज्यादा रखनी पड़ती है तुम लोगों के साथ, ऐसे भी चलने वाला. और ये जो बीच में जो इंट्रैक्शन होती है, दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू रिजल्ट. तो हाइपोस्मिया, व्हाट इज हाइपोस्मिया, रिड्यूस्ड एबिलिटी टू डिटेक्ट ऑर्डर्स. देन यू हैव डिसऑस्मिया, डिसऑस्मिया मीन्स डिस्टॉर्टेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स. ओके, तुम तीनों लड़कियां, स्पेशली यू, आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास. हाँ, आपको क्या लगता है आप मेरे फेस, यस मैडम स्टैंड अप, आपको क्या लगता है आप मेरे फेस के सामने बैठ के बकवास करेंगे, एंड आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, गेट आउट ऑफ द क्लास. ये कॉर्नर वाली को भेजो, आप इस पर कर रही थी ना दोनों के कान में. नहीं नहीं, लीव इट, शी विल गो आउट ऑफ द क्लास. आप बैठ जाओ मैम, सिट डाउन, आप बैठे अंदर, आप बाहर जाइए क्लास से. अब जिसने भी बोला ना दूसरे के कान में और कुछ डिस्टर्ब किया किसी को और बाकियों को अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया, मैं किसी का बाहर निकालने वाली हूं. समझ में आया, तुम्हारा तुम्हें कितनी रेजिस्टेंस आई है, मैं बॉर्डर्ड न्यूज से, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट. तुम करते हो टीचर्स के साथ ऐसे बिहेव, मेरे साथ नहीं करने वाले, जी समझ लो अच्छे से. डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्टेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मेल. ठीक है, और इसमें जो भी हमें आइडेंटिफिकेशन होता है वो स्मेल अनप्लेजेंट लगती है हमें. सपोज कुछ हमें दिया गया कुछ है और हम इसे कुछ और बता रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, विथ क्लोज्ड आईज वी आर आइडेंटिफाइंग इट एज अ डिसऑर्डर्ड स्मेल. और इसमें नॉर्मली वो अनप्लेजेंट होता है, जो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी प्लेजेंट ऑर्डर को, अनप्लेजेंट बता देते हैं. पैरोस्मिया, पैरोस्मिया में क्या होता है, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ स्मेल ट्रिगर्ड बाय अनदर कॉमन ऑर्डर. ठीक है, कोई भी ऑर्डर है, जैसे सपोज प्रेगनेंसी में क्या होता है, कुछ लेडीज को चपातीज की स्मेल बहुत खराब लगती है, तो दे स्मेल इट वेरी, आई मीन दे कैन नॉट, दे कैन नॉट टॉलरेट दैट स्मेल. तो ये हो जाता है डिसऑस्मिया में. पैरोस्मिया में क्या होगा, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन. इसमें क्या होगा कि द पर्सन विल परसीव कि ये कुछ और ही स्मेल है, इट इज नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, से चपाती, शी विल नॉट आइडेंटिफाई, शी विल से इट इज समथिंग एल्स.
सेंट ऑस्मिया होता है. सेंट ऑस्मिया में क्या होता है, देयर इज नथिंग फैंटम. फैंटम मतलब कुछ प्रेजेंट नहीं है, बट द पर्सन विल स्मेल इट. तो इसमें क्या डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ स्मेल अकरिंग स्पॉन्टेनियसली विदाउट अ ट्रिगर. कोई ट्रिगर नहीं है बट पर्सन को स्मेल आएगी. जैसे सेंटम लिंब होता है, उसमें क्या होता है, लिंब कट हो गया, कॉमनली यूजर्स में होता है, उनका लिंब कट हो जाता है, इंजर हो जाता है एंड स्टिल दे आर फीलिंग. तुम दोनों ना, हाँ आप सर और मैडम, आप दोनों बाहर चाहिए प्लीज. हाँ गेट आउट प्लीज. क्यों मत पूछो, नहीं नहीं आई डोंट वांट एनी. हाँ वहां नहीं देख रहे थे, यू आर टॉकिंग एक्चुअली. कोई बात नहीं है, गेट आउट ऑफ द क्लास. यस गेट आउट ऑफ द क्लास. यू विल नॉट टॉक इन माई क्लास. यस आई सॉ बोथ ऑफ यू इंटरेक्टिंग. क्या बोलो बताओ, इसको देख रहे थे, क्या समझा रहे थे बता दो. क्या होता है मुझे समझाओ. नहीं स्टॉप लैपिंग. अगर ये बदतमीजी यहां चली ना, मैं एक को पेनल्टी देने वाली हूं, ये याद रखना. ये कोई हीरो नहीं है, समझ गए. लिसन, व्हाई आर यू एक्सप्लेनिंग टू हर, आई एम हियर ना. Is this class a group discussion? Then why are you discussing with her? You should not do this. This time I am excusing you, but next time this cannot happen. Otherwise, her bachcha mujhe bolega, ma'am, I was discussing with her. Do you know, a group discussion करके भी कुछ होता है जिसमें what we do, we discuss with each other. In that case, it is allowed. In presence of a teacher. But here, I'm standing, I'm explaining and you are talking with her. I don't know what you are saying. You sit down and next time, अब इसको मैंने माफ किया है, मुझे दूसरा कोई excuse ये नहीं देगा, I was discussing with him or her. Sit down. Phantom लगा मतलब there is nothing, there is no trigger, but the person is experiencing it. Phantom limb में क्या होता है कि there is no limb, but the person is experiencing. उसको लगता है कि उसका limb है. Phantosmia में smell नहीं है, but the person is smelling it. अब Gusia means it is related to taste. अब Gusia means inability to taste. ये याद रहेगा exam में गाइवा में. अभी तो बहुत शेखी निकालते आप लोग. And when we ask in during the viva, नहीं पता होता. Hypogeusia, that means again a decreased ability to taste. Dysgeusia, disorder taste. And that is also mostly unpleasant. Paragusia means distorted taste triggered by a normal stimulus. Phantosmia means there is no taste but the person is experiencing. Now what should be asked if there is a patient with disorder of smell and taste. So you have to ask what odors appear to be affected, like which ones you can you still recognize. Matlab kya kya स्मेल कर सकता है, क्या क्या वो टेस्ट कर सकता है और कौन से ऑर्डर्स या टेस्ट हैं जो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है. अब जैसे पूछना है कौन सा ऑल्टर टेस्ट आप एक्सपीरियंस करते हो, प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है. दीज आर द क्वेश्चंस. ये अब जब कोई क्लिनिक में पेशेंट होता है या वार्ड में होता है तो यू हैव टू आस्क, आर दीज ऑल्टर स्मेल ट्रिगर्ड बाय सम नॉर्मल स्मेल्स और दे आर स्पॉन्टेनियस. मतलब कुछ आपको स्मेल कराने को जब स्टिमुलस देते हैं तो तब आपको अनप्लेजेंट स्मेल आ रही होती है या दे आर स्पॉन्टेनियस, देर इज नो ट्रिगर और स्टिल यू आर एक्सपीरियंसिंग द टेस्ट और स्मेल. और प्राइमरी जो टेस्ट है उनके बारे में पूछेंगे कि प्राइमरी टेस्ट और प्राइमरी स्मेल्स को आप अभी भी स्मेल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये भी क्वेश्चन पूछना है. ठीक है, कोई मेडिकेशन भी है पेशेंट में, ये क्वेश्चन पूछना है उसे, क्योंकि मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होता है कई बार कि टेस्ट और स्मेल के डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं. स्मोकिंग हिस्ट्री लेनी है और अल्कोहल, जब भी कोई पेशेंट आता है अल्कोहल और स्मोकिंग की हिस्ट्री हमेशा ली जाती है. ठीक है, हेड ट्रॉमा, कोई भी हेड ट्रॉमा हुआ है पास्ट में या अभी रिसेंट में, ये आपने क्वेश्चन पूछना है पेशेंट से.
कोल्ड और साइनस के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब कोल्ड और साइनसाइटिस होगा तो क्या होता है, स्मेल नहीं होती, टेस्ट भी चला जाता है, ठीक है। ओरल एंड डेंटल हाइजीन भी पेशेंट की देखनी है, वी हैव टू चेक। जेरोस्टोमिया, क्या होता है जेरोस्टोमिया, व्हाट इज जेरोस्टोमिया, डोंट नो, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है, ये भी पूछना है, क्योंकि अगर ड्राइनेस होगी, सलाइवा नहीं होगा, तो व्हाट विल हैपन, जो भी स्टिम्यूलस है वो केमिकल से आ रहा है, ठीक है, द केमिकल विल नॉट बी एबल टू डिजॉल्व इन दैट सलाइवा, और वो एक इट विल नॉट बी एबल टू एक्ट एज अ स्टिम्यूलस, ठीक है, तो परसेप्शन नहीं होगा बिकॉज ऑफ ड्राई माउथ। वेट लॉस एंड एपेटाइट चेंजेस जो हमको देखना है, इफ द पेशेंट इज हैविंग लॉस ऑफ वेट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, उसकी मेमोरी चेक करिए, कॉग्निटिव फंक्शंस के जो टेस्ट होते हैं वो भी किए जाते हैं। अब जो क्रेनियम नर्व फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ और टेंथ है, इनकी टेस्टिंग होती है, ठीक है, इनके जो भी टेस्ट होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू दीज पर्टिकुलर सेंसेस। कौन से सेंसेस की बात कर रही हूं, ये वाली क्रेनियम नर्व हम क्यों चेक कर रहे हैं, आप बताओ, टेस्ट और स्मेल के लिए, अगर ये नर्व अफेक्टेड होंगी तो क्या होगा, पेशेंट को स्मेल और टेस्ट में कहीं एबनॉर्मलिटी हो सकती है, और ये नर्व कब अफेक्ट हो सकती है, कोई हेड इंजरी हो गई, ठीक है, ब्रेन में कोई लीजन हो गया, कोई पर्टिकुलर इंफेक्शन हो गया, अगर पेशेंट, इफ द पेशेंट रिपोर्ट्स दैट हिज और हर टेस्ट ऑफ फूड इज इंपेयर्ड एंड नो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज द प्राइमरी जो आपके टेस्ट है लाइक स्वीट साल बिटर एंड साल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइमरी स्मेल डिसऑर्डर इज मच मोर लाइकली, मतलब अगर उसके प्राइमरी सेंसेस चले गए दैट मीन्स देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइमरी, ठीक है। अगर किसी को हेट्रोमा हुआ है, कोई पेशेंट आया है, वो बोल रहा है कि भाई उसको डिसऑर्डर ऑफ स्मेल या डिसऑर्डर ऑफ टेस्ट आ रहे हैं, या फिर ये सेकेंडरी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो ड्यूरिंग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो आप क्या करोगे उसमें, MRI करोगे, ठीक है, हेड इंजरी वाले पेशेंट में MRI करना होता है, वी हैव टू सी कि ब्रेन में कोई इंजरी है, क्या है, कोई भी मास है या फिर कोई लीजन है, वी हैव टू, और इफ द मास इज एक्चुअली कंप्रेसिंग द नर्व्स, तो वी हैव टू डिटेक्ट दैट, उसके लिए क्या करवाना पड़ता है, MRI। अब वर्कअप पे क्या करते हैं, मतलब ये चीजें तो करनी है, CBC, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोफाइल देखते हैं, थायराइड की जितनी टेस्ट है, PSH लेवल देखते हैं, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, मिथाइल मिनोनिक एसिड, जिंक एंड फास्टिंग ब्लड शुगर, तो ये तो चेक किए जाते हैं अगर कोई डिसऑर्डर लेके आता है टेस्ट और स्मेल के। अगर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जोगेन सिंड्रोम सस्पेक्टेड हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, ESR एंड एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ठीक है, इनको टेस्ट किया जाता है, और ये दे आर ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज, तो उसमें भी क्या होता है, जब ये डिसऑर्डर होते हैं जॉगन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, डिसऑर्डर्स ऑफ स्मेल एंड टेस्ट सेकेंडरी फीचर्स आ जाते हैं एसोसिएटेड, सो इन दैट केस वी हैव टू चेक फॉर दीज एंटीबॉडीज। नाउ कॉमन डिसऑर्डर्स प्राइमरीली अफेक्टिंग ऑल्फेक्शन, इनमें क्या सिर्फ ऑल्फेक्शन ही अफेक्ट होगा, तो इसमें क्या, एक तो एजिंग, सो विद एजिंग के साथ क्या होता है, तुम्हारा स्मेल का जो पावर होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है विद एज, सो बिटवीन एज ages of 65 and 80, 50% person, they demonstrate a meaningful reduction in smell. ठीक है, जब इनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं, क्लिनिक में टेस्ट करते हैं, तो इनका स्मेल रिड्यूस होता है। ओल्डर एंड 80 ईयर्स ऑफ एज परसेंटेज और इंक्रीज हो जाएगी। अब वुमेन जो है उनकी बेटर होती है एबिलिटी टू स्मेल। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक एनोस्मिया या हाइपोस्मिया, ठीक है, तो एनोस्मिया मीन्स कंप्लीट एब्सेंस, हाइपोस्मिया मीन्स डिसऑर्डर एबिलिटी टू और रिड्यूस एबिलिटी टू स्मेल। 10-20% विल बी कॉज बाय हेड ट्रॉमा, ठीक है, तो जिनको भी ये पोस्ट ट्रॉमेटिक होता है तो वो हेड इंजरी की वजह से होता है, ट्रॉमा हेड पे होता है, तो देन 10-20% जो होते हैं वो हेड इंजरी के पेशेंट्स होते हैं। एंड 7% ऑफ ऑल हेड इंजरी केसेस, मतलब जितनी भी हेड इंजरी हुई है उनमें से 7% लोगों को डिसऑर्डर ऑफ टेस्ट और स्मेल आ जाता है, ठीक है।
80% experience smell and flavor impairment within 1 to 5 days after the injury. ठीक है. 17% experience smell and flavor impairment within 3 to 6 weeks. तो 1 से 5 दिन के अंदर आ जाएगी और कुछ लोगों में क्या होगा 3 to 16 weeks लग जाते हैं. So, ये होता क्या है, यूजुअली इट इज अ रिजल्ट ऑफ कंट्यूजन ऑफ फ्रंटल लोब, फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स अलॉन्ग विद शियरिंग इंजरी ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व ट्रेवलिंग थ्रू द क्रिबिफॉर्म प्लेट. तो ये होता क्या है, बेसिकली जब हेड पर कोई इंपैक्ट पड़ता है तो रिएक्शन और रिएक्शन होता है. तो सपोज करो कोई फ्रंट से ट्रॉमा आ रहा है तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रेन पोस्टीरियरली मूव करता है, पोस्टीरियरली उसका मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट होता है और उसके बाद रिएक्शन आती है तो वो फिर एंटीरियरली जाता है. तो इस मूवमेंट के टाइम दौरान क्या होता है, शियरिंग इंजरी हो जाती है. तो जो भी नर्व्स हैं उनमें क्या होता है, शियरिंग इंजरी. तो उससे इंजरी से क्या होगा, डिसऑर्डर ऑफ स्मेल एंड टेस्ट अपियर हो जाएंगे. नाउ ऑक्सीपिटल एंड साइड हेड ट्रॉमा, ठीक है, जो साइड इंपैक्ट होता है इट इज 5 times मोर लाइकली टू कॉज ऑल्फैक्टरी इंपेयरमेंट ड्यू टू सम प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ फ्रंटल साइनस एंड कार्टिलेज टू कार्टिलेज प्रेजेंट इन फ्रंटल इंजरीज. तो फ्रंटल इंजरीज जो है उनसे ज्यादा आपके साइड ट्रॉमा जो होता है दैट इज मोर ऑक्सीपिटल और साइड ट्रॉमा इज मोर डेंजरस. तो चिल्ड्रन में भी क्या होता है, अगर साइड में हेड इंजरी होती है इट इज मोर डेंजरस, ठीक है, ऑक्सीपिटल या फिर साइड हेड इंजरी, क्योंकि फ्रंट में देयर इज फ्रंटल साइनस, वो लाइटनिंग थोड़ा लाइट कर देता है स्कल को एंड देयर इज लेस चांसेस फॉर ब्रेन इंजरी. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसमें क्या हो रहा है, ब्लंट इंजरी हो रही है, ब्लंट फोर्स टू द फेस नोज एंड हेड. This causes the brain to move backward and forward. ये पहले backward जाएगा फिर forward आएगा. And what will happen? This causes a stretch injury to the olfactory nerve. Stretch हो जाएगी तुम्हारी olfactory nerve, which are anchored to the cribriform plate. मैंने बताया था ये cribriform plate से निकलती है nerve. Frontal and temporal lobe become bruised from moving across the irregular base of skull. ठीक है. So this is how the brain injury or blunt trauma causes disorders of smell and taste. This is because of stretch injury. It's because of the stretching of the nerves. Prognosis क्या होता है इसका? Prognosis का क्या meaning होता है? हाँ, diagnosis means as a patient has come to you, तो तुम्हें क्या करना है उसके, sit down. तुम्हें उसकी history लेनी है, तुम्हें उसके साइन सिम्टम्स देखने हैं एंड देन आपकी जो स्किल है, एक डॉक्टर की स्किल क्या होती है, टू डायग्नोस अ डिजीज विदाउट यूजिंग मशीन्स. ठीक है. तो हिस्ट्री से क्या होता है, 70% डायग्नोसिस कर सकता है अगर एक डॉक्टर को नॉलेज हो. अगर उसको नॉलेज नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मशीन्स का यूज करना पड़ेगा, ब्लड टेस्टिंग करानी पड़ेगी. बट 70% ऑफ द डायग्नोसिस कैन बी मेड बाय ओनली हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग. सो हिस्ट्री टेकिंग इज एन आर्ट इन मेडिसिन. और ये आती किसको है, जिसको सारे सब्जेक्ट्स की थोरो नॉलेज होती है. ठीक है. अगर आपको पता है कि मेरे पास ये वाली डिजीज का पेशेंट आ रहा है, उसके ये सिम्टम्स अफेक्ट हो सकते हैं और सिस्टम इफेक्ट हो सकते हैं और उसके ये सिम्टम आ सकते हैं, देन ओनली यू विल बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द पेशेंट. जब हिस्ट्री लेते लेते आपको ये पता चल जाता है कि इस पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है, जब फाइनल ईयर होता है तुम लोगों का मेडिसिन में, तुम्हारा डायग्नोसिस तुम कैसे बनाते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पास आउट. ठीक है. प्रोग्नोसिस क्या होता है, कोई डिजीज है किसी को उसकी आउटकम क्या आएगी. ठीक है. क्या वो दवाइयों से या फिर सर्जरी से ठीक होगा, दैट इज प्रोग्नोसिस. या फिर स्पॉन्टेनियसली अगर इंप्रूवमेंट आता है दैट इज ऑल्सो ओनली प्रोग्नोसिस. नाउ इन व्हाट इज अ प्रोग्नोसिस इन दिस केस, इंप्रूवमेंट इन स्मेल फंक्शन टेस्टिंग अकर्ड इन 36% ऑफ पेशेंट्स एट 2 ईयर्स. तो ये देखा गया है कि जिनको भी हेड इंजरी हुई तो उनमें
स्मेल का जो फंक्शन था वो नॉर्मल हो गया आफ्टर 2 years इन 36%. ग्रेटर स्मेल इंप्रूवमेंट अकर विद इन द फर्स्ट 6 to 9 months. ठीक है, तो इनिशियली जो 9 months थे उनमें ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है. देखो ये जो है ना, दिस इज अप्लाइड. अब आजकल एनएमसी ने क्या किया, हर सिस्टम के साथ अप्लाइड लगाया है. तो ये अप्लाइड, अगर आपको डिसऑर्डर ऑफ स्मेल और टेस्ट पे क्वेश्चन आता है तो ये है, आपको यू हैव टू राइट दिस. अब जितनी जल्दी पेशेंट आए आपके पास आ जाएगा उतना बेटर प्रोग्नोसिस हो जाएगा. ठीक है, और इनिशियली जितना कम लॉस होगा ऑल्फैक्टरी नर्व के फंक्शन का उतना ही अच्छा, उतना ही बेटर क्या होगा उस पेशेंट का प्रोग्नोसिस होगा. सो लेस द लेस द ऑल्फैक्टरी लॉस एट द इनिशियल विजिट द बेटर द प्रोग्नोसिस. अब जो 74 years से ओल्डर है उनका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता, इट इज नॉट गुड. Whatever treatments for this, treatments that have been used for post-traumatic smell. Post-traumatic की बोल रहे हैं, head injury की वजह से हो रहा है, include steroids and zinc. ठीक है, zinc gluconate. तो इसमें क्या होता है, steroids दिए जाते हैं. steroids क्या करते हैं, steroids basically inflammation को control करता है. ठीक है, तो जब भी कोई ट्रॉमा होता है, किसी को हेड इंजरी हो रही है तो वहां इंफ्लेमेशन होगा, इंजरी होगी. इंफ्लेमेशन क्या है, व्हाट इज इंफ्लेमेशन किसको पता है? जब आपको कहीं कोई इंजरी होती है उस एरिया पर पर्टिकुलरली स्वेलिंग होती है, पेन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज रहता है और रेडनेस होती है. यही 4 साइन होते हैं इन्फ्लेमेशन के. रिएक्शन टू एनी इंजरी और एनी वायरस बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन हो सकता है. इसके कॉजेज काफी हो सकते हैं. इंजरी भी हो सकती है, कोई इंफेक्शन भी हो सकता है. आपको कभी मॉस्किटो ने बाइट किया या किसी इंसेक्ट ने बाइट किया तो उधर क्या होता है, आपकी स्वेलिंग हो जाती है, पेन, टेम्परेचर, रेडनेस, सारे साइंस होते हैं. तो जो स्वेलिंग आपको विजिबल होती है दैट इज इन्फ्लेमेशन. ठीक है, तो अब इन्फ्लेमेशन जहां होता है वहां स्टीरॉइड का रोल होता है. तो इसमें क्या होता है, हमारे को हेड इंजरी हुई है, वहां स्वेलिंग हुई है ब्रेन में, एंड स्टीरॉइड हैज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इट एंड जिंक ऑल्सो. अब कुछ मेडिकेशंस हैं जिनके एक्सपोजर से सेकेंडरीली क्या हो सकता है, स्मेल का इंपेयरमेंट हो सकता है. सो व्हाट आर दीज मेडिकेशन एंड कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, इनसे स्मेल चली जाती है. एंटी हिस्टामिनिक, ठीक है, क्लोरफेनिरामिन मैलिएट जो कफ सिरप में डाला जाता है, जब कफ सिरप में ये कंबाइन डाले तो उसका साइड इफेक्ट क्या आता है, डिसऑर्डर इन स्मेल. सीसीबी होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. तो इसमें ये कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, एम्लोडिपिन, डेल्टियाजैम एंड निफिडिपिन. तो इनका भी साइड इफेक्ट आता है कि पेशेंट को स्मेल जो है सेकेंडरीली चली जाती है. कुछ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स हैं जैसे कॉलीस्टायरामिन, क्लोरहाइड्रेट. या इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट डाउन. ठीक है, क्योंकि बुक में तो है नहीं, कहां से ढूंढोगे तुम लोग ये. एंड कुछ स्टेटिन्स होते हैं, एटोरवास्टेटिन, प्रेवास्टेटिन. तो इनका भी साइड इफेक्ट क्या आता है, स्मेल के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्मेल रिड्यूस हो जाती है. ओपीएक्स होते हैं, ओपियम, जो ओपियम लाइक कंपाउंड्स होते हैं. तो इनमें क्या, कोडीन एंड मोर्फिन, इनका भी साइड इफेक्ट आता है. एंटी एपिलेप्टिक्स, एपिलेप्सी क्या होती है, हाँ, तो जब किसी को एपिलेप्सी होती है तो हम उसमें ड्रग्स देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स. तो इसमें फेनेटोइन का साइड इफेक्ट आता है कि उसमें क्या चली जाती है, स्मेल चली जाती है. अभी पीजी में क्वेश्चन भी आते हैं, फेनेटोइन पे क्वेश्चन आता है. ठीक है, अब उसके बाद कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी कहाँ यूज होती है, कैंसर में यूज होती है. तो उसमें मेथोट्रेक्सेट यूज करते हैं, तो उसका भी साइड इफेक्ट आता है. सिंथेटोमाइमेटिक्स, सिंथेटोमाइमेटिक्स क्या होते हैं, क्या मीनिंग है टर्म का, सिंपेथेटोमाइमेटिक का मीनिंग बताओ पहले. हम्म,
हाँ, जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक करने वाले कुछ ड्रग्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिंपैथेटो माइमेटिक. अब देखो, कोकेन, डेक्स एम्फिटामिन एंड ये आपका पेनमेट्रोजिन, ठीक है. तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक करती है, माइमेटिक्स होती है. एंटी डिप्रेसेंट, ये कभी यूज होती है जब डिप्रेशन होता है, ठीक है, या साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वहां पर ये यूज होते हैं. तो एमीटिप्टाइलिन करके एक ड्रग है जो क्या करती है, स्मेल का लॉस कर देती है. ये क्वेश्चन भी आता है पीजी में एमीटिप्टाइलिन पे. क्या हुआ? हाँ, कौन बोल रहा है इतनी जोर से? ठीक है, अब मैंने बोला था कि अल्कोहल और स्मोकिंग की हिस्ट्री लेनी है. तो अल्कोहल क्रोनिक अगर कोई कंज्यूम कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम निकलेगी. मैम, क्या प्रॉब्लम है आपको? यस, आई एम आस्किंग यू, यू वांट टू गो आउटसाइड? बारह पचास मुझे पता है हो गई है, बट आप तो पहले से ही योर टॉकिंग. अटेंडेंस आके ले लो, कम आ जाओ. हाँ, पेन पेपर नहीं है, क्लास में आ जाते हो, मांगो किसी से, जाओ. इस ड्रग्स के नाम लिखो सारे, बता रही हूं मैं, यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट देन. बैठ के लिखो, इतनी अटेंडेंस हो रही है, कॉपी कर लो, अपने फ्रेंड से ले लेना सर.